फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम मखाने की बर्फी बनाएंगे। सबसे पहले हम मखानों को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। इसको थोड़ा गरम होने देंगे। ये गरम हो गया है, अब इसमें मखाने डालेंगे। हल्का ही रोस्ट करेंगे। इसको हम थोड़ा क्रिस्पी होने तक ही रोस्ट करेंगे। गैस को धीमा कर देंगे। देखिए क्रिस्पी हो गए हैं और मखाने भी आसानी से टूट रहे हैं। अब गैस बंद कर देंगे। इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसको पीस लेंगे। ये ठंडे हो गए हैं, अब इनको ग्राइंड कर लेंगे। मखाने अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। देखिए एकदम महीन पिसा है। अब चाशनी बनाएंगे। उसके लिए कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें 1 कप चीनी डालेंगे और 1 कप पानी डालेंगे। चीनी और पानी की क्वांटिटी सेम ही रखनी है। अब इसको बॉईल होने देंगे। थोड़ा उबाल आ गया है और चीनी भी घुल गई है। अब गैस को कम कर देंगे। अब इसमें कुछ केसर के रेसे और 1 चम्मच इलायची पाउडर डालकर मिला लेंगे। जब तक चाशनी उबल रही है तब तक एक प्लेट को ग्रीस कर लेंगे। एक प्लेट लेंगे और थोड़े से घी से ग्रीस कर लेंगे। अब इसको साइड से रख देंगे। हमने प्लेट को पहले ही ग्रीस इसलिए कर लिया है ताकि मिक्सचर बनते ही हम मिक्सचर को प्लेट पर डालकर जल्दी से सेट कर सके। हमें तार वाली चाशनी बनानी है। अभी इसमें तार नहीं बने, इसलिए हम इसको थोड़ी देर और बॉईल करेंगे। देखिए इसमें उबाल आ गया है और फोम भी बनने लगी है। अब चेक कर लेंगे कि तार बने हैं या नहीं। देखिए इसमें तार बनने लगे हैं, इसका मतलब ये तैयार है। अब इसमें पिसे हुए मखाने डाल देंगे। और गैस को बंद कर देंगे और इसको जल्दी से मिला लेंगे।
ये अच्छे से मिल गया है, अब इसे प्लेट पर निकाल देंगे। और टैप करते हुए इसे सेट कर लेंगे। इसको हल्का ठंडा होने देंगे, फिर इसको काट लेंगे। अब इसको बर्फी की शेप में काट लेंगे। मखाने की बर्फी बनकर तैयार है। ये दिखने में और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे किसी भी फेस्टिवल या पूजा पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।